आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव का वास होता है। इसलिए है हम आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। इस दिन माताएं, बहनें सुबह उठ कर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के आंवले के पेड़ की पूजा करती है और पेड़ की परिक्रमा करती है। कंकु, हल्दी, अबीर गुलाल, अष्टगंध, जनवनाड़ा, रोली, मोली आदि से भगवान का पूजन किया जाता है और आंवले के पेड़ की परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। भोजन भी किया जाता है आंवले के पेड़ के नीचे, क्या धार्मिक महत्व है? आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है, काफ़ी कुछ महत्व है। इसमें पौराणिक मान्यताओं में लिखा गया है, शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन भोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि भगवान विष्णु जी ने कुष्मांडक नामक दैत्य का वध किया था, उन्हें मारा था, और उसी के पश्चात भगवान कृष्ण जी ने भी कंस नामक दैत्य का वध किया। इसी अनुसार हम आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं और आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके भजन आदि कीर्तन पूजन किया जाता है।